रामानुजनगर में नशीले इंजेक्शन का अवैध धंधा जोरों से चल रहा है। जिले में आसानी से नशीला इंजेक्शन उपलब्ध हो जाने के कारण यहां के ज्यादातर युवाओं को इस इंजेक्शन की लत लग चुकी है। मामले में बात करते हुए एक युवक विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि उनके द्वारा पहले इस मामले में कार्रवाई की मांग करने के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नशीले इंजेक्शन की बिक्री के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले रामानुजनगर में रोजाना दूसरे जिले से भी युवा आकर इसे खरीद रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आप देखिए ये पूरा आसपास में देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर इंजेक्शन का भंडार पड़ा हुआ, लगाया हुआ इंजेक्शन है। और ये देखिए एविल का इंजेक्शन, जिसका उपयोग किसी और चीज़ों में आता है, लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग नशे के जो कारोबारी हैं इसको धन कमाने में, और जो युवा बैच है वो अपनी जान गंवाने में सीधे सीधे वो लोग बर्बाद कर रहे हैं इस एविल इंजेक्शन को लगा करके। आप इधर आइए, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा भंडार पड़ा हुआ है, डिस्पोजल सिरिंज इंजेक्शन का, चारों तरफ देख लीजिए। यहाँ ये सिर्फ एक ही जगह का बात नहीं है, आप रामानुजनगर में ऐसा अड्डा आपको कई जगह देखने को आपको मिल जाएगा। और अभी हमने आप लोगों को दिखाया है कि किस प्रकार से एक युवा यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहा था, तो वो उसको भी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से इंजेक्शन लगा रहा। उससे हमने बात करना चाहा, लेकिन वो डर से हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। कुल मिला के देखिए आप लोग कि किस प्रकार से नशे का कारोबार चल रहा है। सूरजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू सर जब जिले पे आए थे तो उनका विशेष प्राथमिकता था कि वो नशे का कारोबार जिले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग देख लीजिए उनके इस आदेश का रामानुजनगर में किस तरीके से पालन हो रहा है। धड़ल्ले से यहाँ पर आप रामानुजनगर के कहीं भी चले जाइए, आपको नशे का इंजेक्शन आराम से मिल जाएगा। हमारे साथ इसी मामले में बात करने के लिए स्थानीय युवा हैं, क्या नाम है आपका? विवेक प्रताप सिंह। यहाँ पर बहुत अधिक नशे का इंजेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आप भी खुद युवा हैं, क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार से कारोबार चल रहा है यहाँ पर नशे का? रामानुजनगर क्षेत्र में यहाँ इंजेक्शन, स्पास्मो और बहुत सारी नशे की जो दवाइयाँ हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो आपको मेडिकल में नहीं मिलेंगी, धड़ल्ले से यहाँ 50 रुपये का जो दवाई मिलता है उसको युवाओं को 500-500 में, 800-800 में, गरीब से गरीब जो जिनको आदत एडिक्ट हो गए हैं नशे के, जो नशे में गिरफ्त हो गए हैं, ऐसे युवा चोरी कर रहे हैं, यहाँ बदमाशी कर रहे हैं और फिर उसको 500 का इंजेक्शन, 600 का, 700 का लगा रहे हैं और धड़ल्ले से रामानुजनगर के अगल बगल ग्राम में धड़ल्ले से बिक रहा है। रामानुजनगर विकास खंड के अभी इस क्षेत्र में इस इंजेक्शन के कारण बहुत सारे युवा HIV पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारी बोलबम सेवा समिति ने विगत वर्ष इसकी, हमने वहाँ जाके सूरजपुर SP ऑफिस में आवेदन दिया था बोलबम महाकाल सेवा समिति के तरफ से कि यहाँ नशा बिक रहा है, प्रेमनगर विधानसभा सूरजपुर जिले तक का हमने दिया था, उसमें उस आवेदन की पावती भी है मेरे पास, मैं आपको भेज दूँगा पत्रकार जी। हमने इस पर कई बार सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में यहाँ के TI, यहाँ पुलिस अधीक्षक या फिर जो भी यहाँ पे बड़े हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेतागण हैं, किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ के युवा पूरे नशे के गिरफ्त में हो गए हैं। आज समाज को अगर सुधारना है तो इस पे पहल करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आज हमें बहुत खुशी की बात है कि पत्रकार भाइयों के द्वारा इस बात को फिर से, और अभी ये आसपास के क्षेत्र में रामानुजनगर, शिवपुर, श्रीनगर, प्रेम नारायणपुर, पत्रापाली, दौना, नकना, उमापुर, ये आसपास लगभग 20-25 गांव में बहुत जहर की तरह फैल चुका है ये इंजेक्शन। इसको जितनी जल्दी प्रशासन इसकी धर पकड़ करे, बेच रही है, बंद करवाए तो समाज का कल्याण होगा। कौन लोग बेचते हैं इसको, बेचते कौन लोग, कुछ आइडिया है क्या आपको इसके बारे में? बेचने वाले कुछ ऐसे हैं जो इस नशेड़ी ही हैं, वो जो पहले, मतलब उनको ये अपना खर्चा भी निकालते हैं, बेचते भी हैं, कई बार वो जेल जा चुके हैं, जेल से आ चुके हैं, कई बार उनके घर में छापा पड़ चुका है। पुलिस को सारी जानकारी है इस चीज़ की, पुलिस क्षेत्र में सभी जान रही है कि कौन नशा बेच रहा है, कौन दारू बेच रहा है, कौन शराब, कौन इंजेक्शन, और क्षेत्र के लोग भी, बहुत सारे लोग जान रहे हैं, हमारे गाँव के लोग तो भी क्यों नहीं कर रहे, पुलिस कार्रवाई इसमें क्यों नहीं कर रही है? सीधे सीधे तौर पर नज़र आता है इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें मिली भगत है पुलिस की, हम तो सीधे कहेंगे, क्योंकि हमने अगर आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, प्रशासन भी, SP, कलेक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो सीधे सीधे प्रशासन की ढील है और पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं लेन देन बना हुआ है इनसे।
आप इस न्यूज़ के माध्यम से जिले के, देखिए पुलिस अधीक्षक सर हैं वो बहुत इस समय बहुत टाइट हैं कि इंजेक्शन वगैरह बिकना नहीं चाहिए बिल्कुल, आप कुछ मांग करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से? पुलिस अधीक्षक सर से मेरा यही कहना है कि आज रामानुजनगर क्षेत्र में, सूरजपुर ज़िले में भी, आसपास क्षेत्रों में जो ये नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर धरपकड़ होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सीधे उन पर कार्रवाई हो, जो सुधर रहे नहीं हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, सीधे तौर पे छापा मार होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। युवक थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर नशे का कारोबार कितना धड़ल्ले से चल रहा है, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से मुख दर्शक बनी हुई है। मुख दर्शक को क्यों है ये जांच का विषय है। बहरहाल यह एक बहुत बड़ा मामला है जिसको पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर ध्यान में लाना चाहिए, संज्ञान लाना चाहिए, और ऐसे जो भी लोग जो इस कारोबार को फायदे का कारोबार मान करके कर रहे हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। बहरहाल हम आपको बता दें कि साधना न्यूज ने यह एक मुहिम के तौर पे इसको चलाया है, हम आने वाले समय में आपको और लगातार सीरीज दिखाते रहेंगे और इस नशे के कारोबार को आप लोगों को जरूर उजागर करके बताएंगे। हम सभी लोगों से जो भी हमारे समाचार को देख रहे हैं सभी से अपील करेंगे कि यदि आप लोग भी आइए और ये जो सामाजिक बुराई बन चुका है नशा, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए, मीडिया का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए और हम लोग निश्चित तौर पर इस नशे के कारोबार को बंद कराने में आप सभी का विशेष सहयोग।